सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर राजनाथ सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पार्टी की भी संभावना को रूल आउट नहीं किया जा सकता। इसका कारण एक यह भी है कि 2014 में जिस समय प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में मोदी जी प्रोजेक्ट हुए थे तो लोगों को एक आशा थी, एक उम्मीद थी, लेकिन वह आशा और उम्मीद 5 वर्षों तक लगातार सरकार चलाने के बाद एक भरोसे और विश्वास में बदल चुकी है। और कई स्थानों पर तो मुझे अंडर करंट दिखाई दे। और यह लोग मानते हैं कि इस गवर्नमेंट ने समाज के सभी वर्गों के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो अधिकतम करने की अपनी तरफ से कोशिश की है और उसमें काफी हद तक कामयाबी हासिल हुई है। एक संतुष्टि का भाव लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। और लोग स्वाभाविक लोग अपनी इच्छा जो व्यक्त करते थे व्यक्तिगत बातचीत के दौरान भी, लोग चाहते हैं कि मोदी जी को एक बार पुनः भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिलना चाहिए। एक यह भी मैंने महसूस किया कि आजादी हासिल होने के बाद जब से आम चुनावों का सिलसिला प्रारंभ हुआ है तब से आपने देखा होगा कि प्रायः हर चुनाव में महंगाई एक मुद्दा हुआ करता था, लेकिन 2004 और 2019 के जो चुनाव हुए हैं, 2004 के पहले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे और 2019 के चुनाव के पहले मोदी, दोनों चुनावों में आपने देखा होगा कि महंगाई मुद्दा नहीं बनने पाया। और मैं यह मानता हूं कि हमारी सरकार की इकोनॉमिक फ्रंट पर एक बहुत बड़ी यह कामयाबी है और यह कामयाबी जो हासिल हुई है यह गवर्नमेंट के इकोनॉमिक मैनेजमेंट के कारण और साथ ही साथ करप्शन को रोकने के लिए सरकार के द्वारा जो भी कदम उठाए गए उसका यह परिणाम है। गवर्नमेंट के हमारे यदि मैं कहूं कि कितने हाल मार्क्स हैं तो मैं कहूंगा प्रमुख रूप से 3 हाल मार्क्स हैं हमारे गवर्नमेंट के। एक है अंत्योदय, यानी समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए लोगों का विकास, उनका अभ्युदय, और दूसरा देश का डेवलपमेंट, और तीसरा सुरक्षा। इन तीनों पर हमारी सरकार को बहुत ही शानदार कामयाबी हासिल हुई है।